भूटान से जो तेल डाल के आया था वो 3 मीटर खत्म हो चुका है। उसी रास्ते से आता था इसमें आते वक्त। आप जाने का समय में सीधा रास्ता चुनेंगे ताकि राइड को भी मजा लगे। वो खोरे खोरे ले जा रहा है यार। अब हम मिलने वाले ही है अच्छाला टाउन, यहाँ से करीबन 200 मीटर। बस तो चल रहा है, अभी सुबह में चल नहीं रहा था। फ्लाईओवर बनाने वाले हैं गाइस यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता था पहले, यहाँ पर सिर्फ आधे हुआ है और कम से कम 2 साल तो लगेंगे और वो आगे से जा नहीं पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, बिना हेलमेट के लद्दाख में आ गए गाइस। धूल बहुत है गाइस यहाँ पर, बदबू आ रहा है। थंडरबोल्ट। अरे बेचारा कुत्ता कोई मार के गया यार। जय भोलेनाथ, ओवरटेकिंग मर रहे थे उनके। ये देख, बिना सिग्नल लाइट के टर्न लिया उन्होंने। लाइसेंस कैसे मिला, किसने दिया उसको? लोग बिना देखे यहाँ वहाँ पार कर रहे हैं। और मिल गए पेट्रोल पंप, लेकिन यहाँ में नहीं डालेंगे, मैं भूटान जाके डालूंगा गाइस पेट्रोल। तो मैं आ गई गाइस परिवार के घर में। यहाँ पर लोग पी रहे है शराब। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो चटनी के साथ मजे कर रहे है मोस, सही है। तो मैं यहाँ पर चाय वाय पी के जाता हूँ। तो गाइस अभी मैं परिवार के घर में आके यहाँ पर इन्होंने मेरे को दिया चाय और कुछ भुजिया। और मेरा जो बाइक का तेल है वो भी खत्म हो चुका है, वो फिर से भूटान जाऊंगा मैं आज ही। यहाँ पर है गाइस इनके घर पे बहुत ज्यादा मुर्गियाँ, यहाँ पर यहाँ वहाँ घूम रही है। तो गाइस अब मैं वापस जा रहा हूँ घर में और फैमिली को बोलते हैं भाई घर में जाऊँ या भूटान में जाऊँ। भूटान में जाऊँगा गाइस, अभी मैं तेल खत्म हो गया यहाँ पर देख सकती हो एकदम खाली। तो अभी पेट्रोल डलने जाऊँगा भूटान में फिर से। तो मैं घर से गया पापा को ड्रॉप करने और जाते वक्त और परिवार के घर आने तक सारा तेल हो गया ख़त्म। तो गाइस और ये दूसरा मार्केट बागमरा, यहाँ पर ऑटो ओवरटेक मारते हुए आगे सही शॉट। रास्ता एकदम खाली गाइस, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। साथ साथ क्या है कि बकरी और गाय आ जाते हैं रास्ते के बीच में, तो कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस छोटे छोटे पप्पी रास्ते के बीच में। मैं बोला था ना आपको कि खतरनाक है, तो वही था खतरा। और ये आ गए फिर से बकरी रास्ते के बीच में। और गाइस अब हम पहुंच गए दूसरे मार्केट घर मार्केट। बिना सिग्नल लाइट दिए बगैर पार करते हैं यार लोग यहाँ पे। इसको ये पागल है क्या यार, किस तरह बिना सिग्नल लाइट के घटिया इंसान आकर। कोई भी सिग्नल लाइट नहीं देता गाइस यहाँ पर, ये ओवरटेक मारते हुए एकदम। यहाँ पर लोग केक लेने आते हैं इस होटल में बर्थडे मनाने के लिए या पार्टी वगैरह मनाने के लिए। तो यार रास्ते के साइडों घर बना के रहना अच्छा नहीं है, गाड़ी के आवाज़ आते रहता है और सोने में दिक्कत होता है, काम करने में भी दिक्कत होता है। तो इसलिए इंडो भूटान आप यहाँ से सिर्फ 20-23 किलोमीटर्स है। तो मैं सीधा भूटान में जाऊँगा, तेल लेके आऊँगा। क्या बताओ गाइस, तेल माइलेज देती नहीं मेरा भाई कितना। अब ये रहा और दूसरे गांव के मार्केट, इसको सिल्वर ही बोलते हैं। सिल्वर, सिल का मतलब है पत्थर। यहाँ में क्या है कि इस गांव में फैक्ट्रीज है पत्थर के, तो इसलिए पत्थरबारी का मतलब है पत्थर के जगह। और बहुत सुंदर टर्निंग यहाँ पे, लेकिन टर्निंग देने को नहीं मिला क्योंकि गाड़ी आ गई। तो अब मैं आ गया, पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मेरा ब्रेक्स खराब हुए थे यहाँ पर। और ये है कौनसोली, ये देख सकते हो गाइस रास्ते के बीच में बटक डोन।
यहाँ पर स्कूल था गाइस, लेकिन स्कूल गार्डन बन गया, नर्सरी गार्डन। कैसे ऊपर देख मार के आया भाई, चुटिया है साला। बहुत शरद होगी रास्ते में। गाइस पहुंच गए हम लोग शिमला। यहाँ पर पुलिस वाले भैया ड्यूटी कर रहे हैं, बिना हेलमेट वालों को पकड़ रहे हैं। सही किया इन्होंने, टेल एकदम ख़त्म। अभी रिजर्व में है सिर्फ वही भूटान पहुँचने वाले ही है। शिमला हुजुआ है, ये दुकानें बन रहे हैं नया नया। यहाँ पर कोई रेंट में लेना चाहो तो चाहे तो यहाँ पर ले सकते हो। और ये रहा सुपर मार्केट नया वाला, ज़्यादा दिन नया खोलते हुए सिर्फ 2 हफ्ता हुआ है। कितना जल्दी से पहुंच गए गाइस अपने गांव में। अब हम पहुंच गए लखी दाऊद हजीरा पड़ा। यहाँ पर भूटानीज लोग सही है शॉट। और आगे मेरे कपल्स जा रहे हैं भूटान घूमने। मजा लगा गाइस चला के एकदम। सरसों के खेत कल परसों भी गया था मैं भूटान में तेल लेने, और फिर से खत्म हो गया। तो क्या करें गाइस, फिर से डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं बाइक को कैसे चलाऊंगा गाइस। तेल इंडिया से खरीद नहीं सकते और बहुत महंगा हो गया। उठरा मार्केट पहुंच गया मैं। यहाँ पर दुकान बनने के लिए मिट्टी डाला जा रहा है। नहीं दाउथरा नहीं, लकी बाजार गाइस, भूल गए मैं, लकी बाजार, माय मिस्टेक। भूटानीज लोग आए हुए बाजार करने, आज रविवार है ना, तो दाउथरा मार्केट में बाजार होंगे, एकदम हेवी वाला बाजार। ओ यहाँ पर गाइस स्टैंड बना के रखे, कुछ फंक्शन वगैरह होगा शायद, बहुत बड़ा होगा गाइस। यहाँ पर कमर दिशा में बहुत दिनों से गाइस मैं पिकनिक स्पॉट में नहीं गया, क्योंकि मैं दारू वगैरह सब छोड़ चुका हूँ। 7 महीने हो गए छोड़े हुए, आज के बाद कभी भी छूंगा नहीं। ओनली खाना खाऊंगा पिकनिक स्पॉट जाने से भी। यहाँ पर देख सकते हो गाइस पिकनिक मनाने आए हैं लोग। यहाँ पर साइकिल से व्यू पॉइंट अच्छा है, यहाँ से भूटान के व्यू दिखाई देगा। मैदान एकदम खाली खाली गाइस, किधर में भी खेत नहीं है। सही है, और यहाँ पर देख सकते हो इस होटल गार्डन में बहुत सारा भूटानीज लोग खाना खाने आए हैं, क्योंकि आज बाजार थे। हम लोग के इंडिया में ना खाना वगैरह बहुत सस्ता है, लेकिन भूटान में खाना और सिर्फ खाना महंगा है, और होटल वगैरह बहुत महंगा है। यहाँ पर फिर से संतरे की इंपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। भूटानीज लोग खेतियाँ करता है तो सही है इन लोग के लिए, संतारे से ही हेवी वाला। यहाँ पर भी गाइस एकदम ख़त्म हो चुका है वहाँ का टेंट हाउस, जहाँ पर संतारा इंपोर्ट होता है। अबे डॉगी साइड है थोड़ा तो ना गाइस, पे कैमरा को यहाँ पर खोल लेता हूँ।
अलाउड नहीं है यहाँ पर। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोग को, मुझे पता है यहाँ पर भूटानीज लोग रुके हुए मुखबंग करने के लिए। तो भूटान से यहाँ पर देख सकते हो मेरा बाइक के तेल फुल हो गया है। वाओ, ये बिना एक्सेलरेशन के भी 28 स्पीड में चल रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ से गहराई हो गया ना इसलिए। तो ये रहा गाइस जंगल जहाँ से मैं हमेशा गुजारते रहता हूँ। आज भी क्या करेगा इस भूटान में ही तेल डलते रहता हूँ, और भूटान के पुलिस लड़कियों को भी देखने में मज़ा आता है ना, तो इसीलिए मैं हमेशा जाता रहता हूँ वहाँ पे भूटान में। तो यही था, सही है गाइस, अब मैं तेल बचा रहा हूँ। सही है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो गाइस आज सूरज देवता एकदम शानदार सा पावर दे रही है। गाइस यहाँ पर बहुत डराना है, कभी भी जानवर आ सकता है। कुछ बाउंड्री वाउंड्री नहीं है गाइस यहाँ पर, सीधे जाओ। लेकिन रात में बहुत खतरनाक है, दिन से भी ज़्यादा, क्योंकि रात में कोई गुजारता रहता नहीं है इधर। तो यहाँ पर ना गाइस मैं एक बार जब आया था 4 पिकॉक देखा था मैंने ये रास्ते के बीचों बीच में ही, और पीछे में हिमालय के पहाड़ को दिख रहा हूँ अपने रियर मिरर्स में गाइस, क्या ही लग रहे हैं ये, सही है। तो गाइस आज मैं एकदम फिट फाट होके आया, हेलमेट तो छोड़ो, राइडिंग जर वगैरह पहन के, और इस औरतें बहुत खूबसूरत था यार, सही लगा।